हेलो क्लास ट्वेल्थ स्टूडेंट, चलिए आज के लिए वीडियो लेक्चर में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज अपना जो सॉल्व करते अपना चैप्टर चला था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, तो इसके अंदर अपने पास नेक्स्ट डेरिवेशन सॉल्व करना है। इससे पहले अपन ने पैरेलल प्लेट के लिए कैपेसिटेंस कितना उसको फाइंड किया था इससे पहले वाले वीडियोज के अंदर। आज अपन वापस पैरेलल प्लेट के अंदर ही कैपेसिटेंस कितना फाइंड करेंगे। लेकिन इस बार क्या होगा, दोनों प्लेट के बीच में मान लो कोई डाई इलेक्ट्रिक मीडियम आ जाए, क्या जाए कोई डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, जैसे आप मैंने दिख रहा है यहाँ पर रेड कलर में दिख रहा है आपको जो ब्लू कलर में, ये तो आपकी प्लेट्स हो गई जिस पर ए प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज, बी प्लेट पर नेगेटिव चार्ज है आपका। जो मीडियम है इसको कॉन्स्टेंट कितना के मान लिया, इसका के मीडियम का कोई कॉन्स्टेंट मीडियम का कोई मटेरियल यहाँ पर रखा जो डाई इलेक्ट्रिक मीडियम शो कर रहा है, जिसकी विड्थ है कितना मान लिया अपने टी, और दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस मान लेते अपन, जैसे दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस कितना हो गई डी हो जाएगी। ठीक है, तो लिखा मैंने ए एंड बी आर टू प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कंडेंसर, यानी ए और बी जो दो पैरेलल प्लेट की कंडेंसर की दो प्लेट हो गई, सेपरेशन डी इन बिटवीन द प्लेट्स, और दोनों प्लेटों के बीच में कितना सेपरेशन है, कितना डिस्टेंस है, तो डी। आगे एंड ए इज द एरिया ऑफ इच प्लेट, और हर एक प्लेट का एरिया कितना है, ए एरिया ऑफ ए होगा। इन बिटवीन द प्लेट्स देर इज अ प्लेट ऑफ थिकनेस टी, अब इनके बीच में जो मीडियम की जो प्लेट है उसकी थिकनेस कितना मान लिया अपना टी मोटाई की मान ली, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और इसकी वैल्यू कितना मान लिया कांस्टेंट थी इतना। ठीक है, अब अगर अपन सरफेस चार्ज डेंसिटी देखें तो लिखते हैं, अब इसके बाद डिवीजन आपका सोल्व होता शुरू हो रही है अपन, तो लिखते हैं द सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज ऑन द प्लेट्स इज, यानी चार्ज डेंसिटी क्या होती है आपकी सिग्मा, तो लिखा सिग्मा इक्वल्स टू, और सिग्मा इक्वल्स टू क्या होता है जो चार्ज है क्यू अपॉन एरिया ए, यह आता है आपका चार्ज प्लेट डेंसिटी सिग्मा इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए। ठीक, अब यहाँ पर कितना चार्ज होगा वो अपन फाइंड करते हैं, इलेक्ट्रिकल डेंसिटी ए पॉइंट पर कितना होगी और बी पॉइंट पर कितना होगी वो अपन लिखते हैं। तो लिखा वापस रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इन एयर इन बिटवीन द प्लेट इज यानी प्लेट ए पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अपन फाइंड करते हैं। तो लिखा ई वन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो एप्सिलॉन नॉट, ई वन इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा की वैल्यू कितना है बच्चों, सिग्मा की वैल्यू क्यू अपॉन ए, तो सिग्मा के प्लेस पर आ जाएगा क्यू अपॉन में ए। ठीक, और एप्सिलॉन नॉट चलेगा तो एप्सिलॉन नॉट। ठीक, चार्ज प्लस क्यू तो यहाँ प्लस क्यू, क्योंकि अपन ई वन की वैल्यू निकालते हैं फर्स्ट वाले की इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी। एज ए सिमिलर लिखा सिमिलर ई टू इक्वल्स टू, अब चार्ज नेगेटिव है आपका तो क्या हो जाएगा माइनस क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो ए, पर साथ में कांस्टेंट के मीडियम भी है तो इसके कारण इस पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा मान लो, तो क्या लिख दिया अपने कांस्टेंट के। ठीक है, क्लियर यहाँ तक, तो क्योंकि इस पॉजिटिव कारण इस पूरे में क्या चार्ज आ जाएगा नेगेटिव, तो कितना हो गया माइनस का। ठीक, अब इसके बाद अगर मैं टोटल पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूं तो लिखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, यानी वी ए माइनस वी बी होगा पोटेंशियल डिफरेंस, और कितना होगा तो एक तो ई वन के कारण और एक ई टू कारण, एक तो ई वन कारण और एक ई टू कारण। तो अपने देखो जब पोटेंशियल डिफरेंस का बेसिक पढ़ाया था वी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ए मल्टीप्लाई डी हो जाता है, ए आपका इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी और डी डिस्टेंस होती है, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी ई वन, ये रखा ई वन, अब डिस्टेंस ई वन की कितना डिस्टेंस होगी, तो टोटल डिस्टेंस तो डी है आपका, टोटल डिस्टेंस तो डी, डी में से टी कम हो जाएगा क्योंकि ये डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की विड्थ है, तो डिस्टेंस कितना होगी तो यहाँ हो जाएगी डी माइनस, टोटल डी था उसमें से डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की डिस्टेंस कम हो जाएगी, यानी क्या हो जाएगी डी माइनस थी प्लस ऐसे ई टू एज इट इज, और इस ई टू कारण कितना डिस्टेंस इसकी टी है तो रख दिया टी। ठीक है, अब ई वन और ई टू की वैल्यू अपन पुट करते जाते हैं, तो
तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखिएगा क्या होगा। तो अपने पास वी ए माइनस वी बी की वैल्यू है और पुट कर देते हैं, तो रखा वी ए माइनस वी बी इक्वल ई वन, और ई वन की वैल्यू है अपने पास कितना, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए हो जाएगा, और डी माइनस टी, डी माइनस टी ई टू, और ई टू के लिए माइनस होते हैं, ई टू से क्या जाएगा माइनस का क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, अच्छा वी ए माइनस वी पी ना, यहाँ पर टोटल जो होगा माइनस का क्यू ना, और इस माइनस ये माइनस था सॉरी। ठीक, अब अच्छा चार्ज इंटेंसिटी जो है आपका माइनस का क्यू था, तो इस माइनस से माइनस का कहीं का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, माइनस का आपका इस माइनस से प्लस का हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा आपका एप्सिलॉन नॉट ए के ई टू की वैल्यू थी पूरी पूरी है, और टी जो था ये ठीक ठीक ध्यान रखिएगा ई टू की वैल्यू क्या माइनस में, और उस माइनस से ये माइनस का कहेगा आपका प्लस का। ठीक, अगेन वी ए माइनस वी बी इक्वल कुछ कॉमन है तो अपन कॉमन देख लो, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए ने बच जाएगा डी माइनस टी, और क्या बचा साथ में प्लस टी अपॉन के, टी अपॉन क्या आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा। ठीक, अगेन वापस देखिए और कुछ दिख रहा हो तो ये अपना हो गया पोटेंशियल डिफरेंस निकल के आ चुका है। अब अपने को पता है इससे आगे क्या करना है, अपन ने पढ़ा है कैपेसिटी ऑफ कंडेंसर, कैपेसिटी ऑफ कंडेंसर यानी C इक्वल क्या हो जाएगा Q अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी हो जाएगा, अगेन C एट इज Q एज इट इज, और वी ए माइनस वी बी ऊपर है अपने पास वो रख दो, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, और पूरे की वैल्यू कितना है D माइनस टी प्लस टी अपॉन K हो जाएगा, इस Q से Q कैंसिल, तो सी क्वेश्चन निकल के आ जाएगा ये चला जाएगा इस वजह से, या तो डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, और एप्सिलॉन नॉट जो अपॉन में ही चला जाएगा तो कितना हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए। ठीक, अगर आप अपने को नीचे कुछ कॉमन दिख रहा है कॉमन ले सकते हैं, देखो सी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस या दोनों जगह टी आ रहा है, तो अगर माइनस का टी मैंने बाहर कॉमन ले लिया, यहाँ से टी बाहर आ गया तो यहाँ बचा वन, जैसे बाहर माइनस दिया प्लस कहीं का हो जाएगा माइनस का, टी बाहर आ गया तो वन अपॉन के, ये आपको क्या मिल गया पैरेलल प्लेट के अंदर, मान लो कोई मीडियम हो तो उसके अंदर कितना कैपेसिटेंस होता है उसका डेरिवेशन। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ध्यान से समझिएगा। अच्छा, इसकी कुछ कंडीशन वगैरह भी आ जाती है, कंडीशन क्या आती है इसमें आपको समझाता जाता हूँ। अगर मान लो कोई मीडियम हो तो उसका फॉर्मूला तो ये हो जाएगा, ठीक है, पर मान लो केस ऐसा हो जाए कभी कि इफ, चलिए कंडीशन देखते हैं क्या क्या कंडीशन बनती है। जैसे मान लो सपोज करो कि ये जो पैरेलल प्लेट के अंदर डिस्टेंस टी है ना, अगर मान लो ये कांस्टेंट को मैं बढ़ा दूं जो डायलेक्ट्रिक मीडियम है, इसकी डिस्टेंस भी टी है, अगर इसको पूरा डिस्टेंस डी के बराबर कर दे, यानी इसको और फैला दे अपन, बढ़ा दे, बड़ा समझ आ रही, इस पूरे क्या कर दे अपन, अगर बढ़ा देते हैं पूरा फैला देते हैं अगर, तो कंडीशन क्या बनती है आपकी, टी जो है किसके बराबर हो जाए इस पूरे डिस्टेंस के, यानी यहाँ सब जगह क्या हो जाए आपका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो जाए, यानी टी जो इक्वल हो जाए किसके बी के, तो फिर क्या कंडीशन बनेगी आपकी, तो देखिए एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में क्या आ जाएगा डी माइनस, ये आपका टी है, ये रखा टी माइनस वन अपॉन के है। अब देखिए ध्यान से क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन, अब डी की जगह क्या आ जाएगा टी, तो टी माइनस या टी माइनस टी के ना, इस वाले में रिपोर्ट करें अपन, कौन से वाले में, इस वाले में ना, तो आगे देखिए क्या होगा, उन्हें प्लस था, अब डी की जगह तो टी रख दिया, माइनस का अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो टी, थोड़ी देर के लिए इक्वल हटा देते हैं जो यहाँ पर था, और यहाँ प्लस था ना आपका, हाँ डी की जगह टी आ गया, टी एज इट इज, और प्लस टी अपॉन टी, कुछ कैंसिल तो कर दो, टी से टी कट जाएगा, तो सी इक्वल टू क्या आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए, और यह आ जाएगा टी अपॉन के,
यानी के ऊपर चला जाएगा, तो सी इक्वल टू हो जाएगा के एप्सिलॉन नॉट ए और अपन में क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। ठीक, तो ये क्या हो गई अपनी जो वैल्यू निकल के आ गई, या आप इसको और हिसाब लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, सी इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट ए टी की जगह डी, ये दोनों ही डेरिवेशन अपने बन जाते हैं कब, जब टी इक्वल टू किसके हो, डी से। ऐसे अगर के सेकंड हो आपका, के सेकंड में क्या हो जाए, मान लो सेकंड केस ऐसा बनता हो कि जो टी है उसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाए, जीरो के, टी कॉन्स्टेंट वैल्यू किसके इक्वल हो जाए, जीरो के, तो फिर क्या होगा, तो अपना डेरिवेशन देखो क्या है, सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए डिस्टेंस डी माइनस टी माइनस, अच्छा टी माइनस, थोड़ा सा गलती कर रहे हैं, सी इक्वल टू एप्सिलॉन ए डी माइनस टी और ब्रैकेट में वन माइनस वन अपॉन के, इसमें रखते राइट वैल्यू पर, तो बार बार कन्फ्यूजन नहीं हो। तो सी इक्वल टू, अब टी अगर जीरो हो जाएगा तो एप्सिलॉन ए अपॉन डी माइनस, और टी की वैल्यू क्या जीरो इक्वल हो जाए, तो जीरो से इस पूरे का मल्टीप्लाई भी करेंगे तो जीरो हो जाएगा, तो ये आ जाएगा सी एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ठीक है, ये तो हो गया अपना केस सेकंड। अगर मान लो केस थर्ड की बात करूँ मैं, केस थर्ड में आपका क्या हो जाए, मान लो ऐसा हो जाए कि जो कॉन्स्टेंट के है उसकी वैल्यू कितना हो जाए, इन्फाइनेट हो जाए, मान लो वो एयर वगैरह नहीं हो और क्या हो जाए, इन्फाइनेट हो जाता हो, तो उस केस में क्या हुआ, तो आपको सी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी वन माइनस वन अपॉन के है आपका। अब अगर इसमें वैल्यू पुट करते हो तो एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी और ब्रेकेट में वन माइनस वन अपॉन के, और वन अपॉन के कितना आपका इन्फाइनेट है, तो रखा इन्फाइनेट। ठीक, तो क्या होगा, सी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए टी माइनस टी वन माइनस, और वन अपॉन एप्सिलॉन कितना हो जाएगा, जीरो। ठीक, यानी सी इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी, क्योंकि वन माइनस जीरो गया तो टी आएगा, वन माइनस जीरो में तो वन आया, और वन का मल्टीप्लाई टी से करोगे तो टी। तो ये आपका पैरेलल प्लेट कंडेंसेशन के अंदर, मान लो कोई अगर मीडियम आ जाता हो तो उसमें ये कंडीशन बन सकती है। तो इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है, इसको भी एक बार अच्छे से कीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है,